मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 23 अगस्त से 31 अगस्त 2018 तक शिमला में करने का निर्णय लिया है, जिसमें 7 बैठकें होंगी। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी से निपटने के लिए अनुबंध आधार पर फार्मासिस्टों के 218 पदों को बैच वाइज भरने की स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को गृह निर्माण के लिए 1.30 लाख रुपए की सहायता राशि करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना आरंभ करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए तथा स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन कर 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के स्थानीय युवाओं को आजीविका प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना 2018 को आरंभ करने की स्वीकृति दी है। योजना के अंतर्गत अधिकतम 30 लाख निवेश पर पुरुष उम्मीदवारों को 25% निवेश उपदान तथा महिला उम्मीदवारों को 30% उपदान प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त पहले वर्ष में ब्याज पर 8% अनुदान तथा अगले वर्षों के लिए 2% कम करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने सभी राजकीय निजी पाठशालाओं में पहली कक्षा में प्रवेश के दौरान टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को स्वीकृति प्रदान की है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। बैठक में कैब योजना 1999 तथा मोटरसाइकिल योजना 1957 को किराए पर लेने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत कैब हायर करने के लिए प्रतिवर्ष 40,000 रुपए जबकि मोटरसाइकिल के लिए 20,000 रुपए लिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 50 मोटर वाहनों तथा मोटरसाइकिल योजनाओं के अंतर्गत 5 मोटरसाइकिलों के फ्लीट वाली इच्छुक पार्टियों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय की स्तुतियों के अनुरूप सोलन जिले के वाकना घाट स्थित बहारा विश्वविद्यालय में फिजियोथेरेपी में स्नातक पाठ्यक्रम आरंभ करने की मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी उपायुक्त उपमंडला अधिकारियों व खंड विकास अधिकारी कार्यालयों में कारगिल दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान अधिकारियों को बैठकें आयोजित कर पूर्व सैनिकों को विशेष तौर पर आमंत्रित करने को कहा गया है। इस दौरान युद्ध स्मारकों तथा शहीद स्मारकों का दौरा किया जाएगा और शपथ भी दिलाई जाएगी। यही एक विचार हुआ है कि वहाँ जो 7 में लगते प्रदेश है वहाँ के मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद एक बड़ी संयुक्त बैठक की जाए और उसके रोकथाम के लिए क्या क्या कारगर कदम उठाए जाने चाहिए उसके बारे में चिंतन करेंगे और कार्य रूप देने के बाद उस पर आगे बढ़ेंगे। कि ये भी बात आई है कि हिमाचल प्रदेश और 7 में लगते प्रदेश जो है उत्तराखंड है, हरियाणा है, हमारा यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, यहां के मुख्यमंत्री एक संयुक्त कोई सेमिनार करें, कोई बड़ी बैठक करें, वहां के डीजीपी यहां पर आए ताकि ऐसे अवैध धंधे करने वाले तस्करों पर हम नकेल कस सकें। नहीं तो कई बार ये होता है कि यहां से भाग करके दूसरे प्रदेशों में वो शरण ले लेते हैं, तो ये भी यहां पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। इंटेशन प्रस्तुतिकरण भी वहां पर होती है। जैसे मैं आज कहूं, जो आज पूरे हिंदुस्तान में ड्रग अव्यूज की अगर हम बात करें, ड्रग मेनेस की अगर हम बात करें, तो हम उस रूप में भी बिल्कुल सजग हैं, जागरूक हैं कि हम हिमाचल प्रदेश को कैसे पूर्णतः नशा मुक्त बना सकते हैं। क्योंकि नशा ऐसी चीज है जो किसी भी पीढ़ी को खोखला कर सकती है और किसी भी देश के प्रदेश के युवा नीम के पत्थर के रूप में, समाज की रीढ़ की हड्डी के रूप में माने जाते हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी इस प्रेजेंटेशन के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की है और इसके बारे में विस्तार से योजना बनाई है कि इसको अगर कहीं इस प्रकार के तस्कर, व्यापारी या स्कूलों के नजदीक, कॉलेजेस के नजदीक या ऐसे लोग जो इस अवैध धंधे के रूप में समाज को कमजोर कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई व
वह समाज में एक जागरण चलाया जाए और चाहे समाज में एनजीओज हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे मंत्री हैं, जहां भी वो जाएं इसके बारे में समाज को जरूर जागरूक करें, ये मैं कहना चाहता हूं।